हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और फाइनली आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन के बारे में। तो ये मेरे पास है LG का G8X और इस फ़ोन को मैं पिछले 50 दिन से यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। इस फ़ोन के बारे में मैं बात नहीं करूँगा, ये वीडियो जनरली डुअल स्क्रीन्स के बारे में है। काफ़ी सारे फ़ोन्स आते हैं डुअल स्क्रीन, ये तो डुअल स्क्रीन केस के साथ आता है, तो ये मेन फ़ोन है। इस केस के अंदर लगाने के बाद यहाँ पे दो स्क्रीन हमें मिल जाती है। कि सैमसंग का गैलेक्सी जी फोल्ड 2 आता है तो उसमें एकदम पूरी बड़ी स्क्रीन होती है टैबलेट साइज़ की, और उसको फोल्ड करके आप रख सकते हो। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ना, जनरली यार यूज़ केस के ऊपर होने वाली है। डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन्स को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या एडवांटेज है। बेसिकली एक नॉर्मल एंड्रॉयड जो स्मार्टफोन होता है, जैसे कि हमारे फ़ोन के अंदर एक सिंगल स्क्रीन होती है, तो एक नॉर्मल स्मार्टफोन से क्या इसके पास एडवांटेज है, सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करना। इस वीडियो को बनाने के लिए यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, काफ़ी रिसर्च और यूज़ करना पड़ा है स्मार्टफोन को, तभी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चली एक्सपीरियंस करके। तो आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन है, इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये प्रॉपर एक स्मार्टफोन है और ये डुअल स्क्रीन केस के साथ आता है, जिसमें यहाँ पे शक्ल देखने के लिए भी मस्त यहाँ पे स्क्रीन दी गई है, और एक अंदर की तरफ स्क्रीन है, और यहाँ पे एक टाइप सी का पोर्ट है जिसमें हम स्मार्टफोन को कुछ इस तरीके से स्लाइड कर देते हैं और ये डुअल स्क्रीन को यहीं से पावर करता है हमारे स्मार्टफोन को। और इसको हम कुछ इस तरीके से ऐसे खड़े करके भी रख सकते हैं, और ये दो स्मार्टफोन के साइज़ का यहाँ पे हो जाता है जैसे डुअल स्क्रीन हम इस पर अप्लाई करते हैं। डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन यूज़ करते भाई आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ सबसे बड़ा करना पड़ेगा कि फ़ोन का वेट काफ़ी हो जाएगा, थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एटलीस्ट करंट टाइम के अंदर। सबसे पहले जब भी आप स्मार्टफोन को यूज़ करोगे भाई, लोग आपसे डेफिनेटली पूछने वाले हैं कि कौन सा स्मार्टफोन भाई तू यूज़ कर रहा है। मैं स्मार्टफोन को जब भी बाहर लेके जाता हूँ तो लोग भाई मेरे को देखते हैं रोड पर चलते हुए कि भाई क्या लेके जा रहा है बंदा, क्या इसने महंगा सा फ़ोन ले रखा है हाथ में। तो भाई अगर लुक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, लोग भाई डेफिनेटली आपको नोटिस करेंगे अगर आप ये फ़ोन यूज़ करोगे। सेकंड यार इसका यूज़ केस जो मेरे को देखने के लिए मिला, आप जैसे कि यहाँ पे ये हिंज मैकेनिज्म आपने देखने के लिए मिलता है, तो इसको आप अपने टेबल पे कुछ इस तरीके से रख सकते हो वीडियो देखने के लिए, और एक तरफ आप वीडियो देख रहे हो और ये स्टैंड की तरह यहाँ पर यूँ काम करेगा और अच्छे तरीके से आप काम कर सकते हो। दूसरा यूज़ केस ये हो सकता है कि मल्टीटास्किंग या वगैरह कर सकते हो, जो दूसरी स्क्रीन है उसमें आपने एक क्रोम ओपन कर लिया और मेन स्क्रीन पे यूट्यूब और कोई दूसरी ऐप अपने ओपन कर ली, और तीन स्क्रीन पे भाई मल्टीटास्किंग कर सकते हो। नॉर्मल फ़ोन में आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आप यूज़ केसेस देखोगे तो। आप जैसे कोई लेक्चर वगैरह ले रहे हो या फिर क्रोम से कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह देख रहे हो और एक तरफ नोट कर रहे हो सारी चीज़ें, या फिर यूट्यूब वीडियोज़ देखते देखते आप नोट्स बना रहे हो, तो स्टूडेंट्स के परस्पेक्टिव से देखते हैं या फिर क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए देखते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है मेरे लिए, कि मैं एक तरफ क्रोम चलाता हूँ एक तरफ यूट्यूब चलाता हूँ, तो बहुत ही यूज़फुल हो जाता है काफ़ी सिनेरियोज़ के अंदर। और अगली चीज़ ये है कि यार ये डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन तो है ही, तो इसमें आप एज अ गेम पैड इसको यूज़ कर सकते हो। एक स्क्रीन पे आपकी गेम चलेगी, दूसरे स्क्रीन पे आप कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। इसमें LG ने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट गेम पैड्स दिए हुए हैं, नॉर्मल वाला है, स्टेयरिंग वाला है, और जॉयस्टिक वाला भी है, और नॉर्मल बटन्स वगैरह है। और अगर आप कोई गेम्स वगैरह प्ले करना चाहते हो तो उसके हिसाब से अपना कस्टमाइज़ भी कर सकते हो गेम पैड को, तो गेम्स वगैरह प्ले करने के लिए काफ़ी बढ़िया है। लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, स्लाइट डिले आपको देखने के लिए मिलता है। मैंने इसमें फॉल्ट 9 या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स वगैरह प्ले करके देखी थी। तो हाँ, डुअल स्क्रीन में भाई डेफिनेटली वो फन है, और हमारी स्क्रीन कवर नहीं होती गेम खेलते हो, तो ये एक इसका बेस्ट यूज केस मेरे को लगा था। दूसरी चीज ये है कि जो स्मार्टफोन है, हम इसकी मेन स्क्रीन पर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और जस्ट हम चाहते हैं कि दूसरे स्क्रीन पर उसको स्वाइप करते, तो जस्ट आप 3 फिंगर इस तरीके से स्वाइप करके इसके डिस्प्ले पे वो मूव कर सकते हो सेकंड स्क्रीन, एंड सेकंड स्क्रीन से सिंपल वही जैसे से आप फर्स्ट स्क्रीन पे मूव कर सकते हो। यहाँ पे एक टॉगल भी दिया गया है जैसे इस पर आपको क्लिक करना है और शिफ्ट कर सकते हो दोनों स्क्रीन्स को लेफ्ट एंड राइट में। और डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन है तो ज़्यादातर लोग इसकी डुअल स्क्रीन को ही यूज़ करेंगे अगर इस केस के अंदर लगा के यूज़ करेंगे। तो जैसे मैं फ़ोन को कभी भी खोलता हूँ तो मैंने एक ऐप यहाँ पे सेट की हुई है, जैसे मैं फ़ोन को ओपन करूँगा तो सेकेंड स्क्रीन पे कीप एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी नोट्स टेक करने के लिए, और एक तरफ मैं यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखते रहता हूँ, कुछ भी चीज़ें सीखनी होती है तो मैं उसको साथ साथ नोट करता रहता हूँ। तो ये एक फीचर आपको इसी के LG के UX के अंदर मिल जाता है, तो इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप को सेट कर सकते हो। अब इस पूरी डुअल स्क्रीन को ऑपरेट करने के लिए एक टॉगल देखने के लिए मिलता है, एक
क्विक टॉगल से तो आप इसको डुअल स्क्रीन को ऑन कर सकते हो, लेकिन फ्लोटिंग एक बार आपको देखने के लिए मिलता है, इस पर क्लिक करके आप डुअल स्क्रीन को ऑन ऑफ स्वाइप कर सकते हो, स्वाइप मतलब स्क्रीन्स के बीच में, और वाइड व्यू को इनेबल कर सकते हो और डुअल स्क्रीन को ऑफ कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। लाइक इसमें वाइड व्यू का एक आपको दिया गया है जो कि कुछ एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, लिमिटेड ऐप्स है लाइक क्रोम, यूट्यूब, जी मेल, गूगल मैप्स और वेल, एक एल जी का ब्राउजर लाइक कुछ चीज़ है, और फोटोज़ में भी ये काम कर जाता है। तो लाइक आप यूट्यूब यूज़ कर सकते हो लेकिन कमेंट्स के रिप्लाई वगैरह नहीं कर सकते हो फुल स्क्रीन में, और क्रोम पे तो आप वेबसाइट्स वगैरह यहाँ पे ब्राउज कर ही सकते हो। लेकिन मेन दिक्कत ये आती है कि इसमें जो बीच में हिंज दी गई है ना वो थोड़ा सा कटता है, और वो जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी मतलब बीच में से माइनस हो जाता है पार्ट। तो अगर आप इसको रोटेशन में यूज़ करोगे तो उसके लिए रोटेशन आपको इनेबल करनी पड़ेगी, देन उसके बाद थोड़ा सा आपको बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। लाइक सीधा करके हम फोन को यूज़ कर सकते हैं, और लाइक डेस्क पे रख के भी हमें कुछ इस तरीके से ब्राउज कर सकते हैं वेबसाइट्स वगैरह। तो ये कुछ केस सिनेरियो हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम स्टैंड बना के भी वेबसाइट्स वगैरह ब्राउज कर सकते हैं। तो ये कुछ मेन सिनेरियोज है लाइक मैं इसको यूज़ करता हूँ। कभी भी मेरे को अपने यूट्यूब के एनालिटिक्स वगैरह चेक करने होते हैं, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर मेरे पास पर्सनली नहीं है, तो मैं ज़्यादातर जो वेबसाइट्स वगैरह होती है बड़ी बड़ी वो मैं इसी पे ओपन करता हूँ, और लैंडस्केप व्यू में मेरा काम चल जाता है। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है इससे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेजर इशूज़ नहीं आते हैं। एल जी ने इसके कैमरा यू आई में भी कुछ फीचर्स दिए हैं जो कि इसकी डुअल स्क्रीन को यहाँ पर यूज़ करता है। लाइक जब भी हम शटर बटन को प्रेस करके इमेज क्लिक करते हैं, जो इमेज को हम ओपन करते हैं व्यू फाइंडर से, तो वो डायरेक्टली हमारे सेकंड स्क्रीन पर शो होती है, हम वो ब्राउज कर सकते हैं। ये एक यहाँ पर फीचर दिया गया है। सेकंड फीचर जो है वो फ्लैश लाइट वाला फीचर है। लाइक हम फ्लैश लाइट को डबल टैप करते हैं तो जो हमारी सेकंड स्क्रीन है वो एज अ फुल फ्लैश यहाँ पर काम करती है, पूरी स्क्रीन वाइट हो जाती है, और उसका टेम्परेचर को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। तो नाइट टाइम में सेल्फीज वगैरह लेने का शौक है तो भाई वो भी काफ़ी यूजफुल हो सकता है। थर्ड फीचर मुझे काफ़ी कमाल का लगा कि अपने स्मार्टफोन को आप जैसे कैप्चर कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, या कोई भी शॉट को आप कैप्चर कर रहे हैं, तो अपनी स्क्रीन को कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं जो कि आप कैमरास के साथ जनरली करते हैं, एंड शॉट को कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, मतलब ऊपर से कैप्चर कर रहे हैं लेकिन हमें दिखेगा कुछ इस तरीके से, तो वो एक केस सिनेरियो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। और जो फ़ोन की गैलरी एप्लीकेशन है उसमें भी काफ़ी अच्छा इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर किया गया है। लाइक हम कभी भी डुअल स्क्रीन के साथ गैलरी को यूज़ करते हैं तो कोई भी इमेज हम ओपन करते हैं वो सेकंड स्क्रीन पर ओपन होगी। एल जी ने डुअल स्क्रीन को यूटिलाइज़ करने के लिए कीबोर्ड में भी कुछ कमाल के फीचर्स दिए हैं, जैसे कि डायरेक्टली अगर आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है सेकंड स्क्रीन का तो एक बटन से ही आप कैप्चर कर सकते हैं, डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। और डुअल स्क्रीन यूज़ करते हुए अगर आपको फुल स्क्रीन पर कीबोर्ड यूज़ करना है, लाइक डुअल स्क्रीन पर आप यहाँ पर फुल कीबोर्ड से और एक तरफ आपकी ऐप ओपन हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप स्प्लिट भी कर सकते हैं कीबोर्ड्स को टू पार्ट्स में, और उससे और भी अच्छा कमाल का टाइपिंग एक्सपीरियंस हो जाएगा। और इसको मिनी लैपटॉप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से डेस्क पे, और टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड से चैट वगैरह कर सकते हैं। एक यूज़ केस भाई मेरे को ये देखने के लिए मिला था, लाइक कभी आपकी गर्लफ्रेंड आपको चैट कर दे और आप यहाँ पे मिस भी नहीं करना चाहते हो कि कोई दूसरा काम आप कर रहे हो, तो वो भी आप कर सकते हो। एक तरफ गर्लफ्रेंड की चैट चल रही हो, दूसरी तरफ आप कोई अपना काम कर रहे हो, तो उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो उसको। अब ये तो कुछ कमाल की चीज़ें हो गई जो डुअल स्क्रीन के साथ आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन डिसएडवांटेज भाई वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। लाइक सबसे पहली तो जैसा मैंने बताया कि लोग आपसे पूछेंगे कि कौन सा स्मार्टफोन आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन भाई ये थिकनेस के मामले में बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाता है। लिटरली ये मेरे आईफोन SE के डबल थिकनेस का देखने के लिए मिलता है, और इसका 321 ग्राम्स के अराउंड वेट चले जाता है इस केस के साथ में, तो भारी तो है भाई। अगर आप इसको एक हाथ से यूज़ करोगे तो अच्छी खासी आपके हाथ की एक्सरसाइज हो जाएगी। अब थर्ड चीज़ जो है यार वो बैटरी लाइफ की आ जाती है, क्योंकि बैटरी लाइफ इसके अंदर 4000 mAh की है बैटरी, तो सिंगल स्क्रीन के साथ बहुत अच्छी बैटरी दे देता है, मतलब 5.5 hours to 6 hours का स्क्रीन ऑन टाइम दे देता है। ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, लाइक इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर है, तो उस प्राइस के हिसाब से ये अच्छा यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम माना जाता है, क्योंकि मिड रेंज में ज़्यादातर बैटरी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलती है, लेकिन फ्लैगशिप्स में भाई इतनी देखने के लिए मिलती है, तो उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डुअल स्क्रीन के साथ यूज़ करोगे तो दो स्क्रीन होने की वजह से डेफिनेटली भाई आपकी बैटरी जो है वो कंज्यूम ज़्यादा होगी। अगर जैसे 6 hours का आपको नॉर्मल SOT मिल रहा है, मतलब डुअल स्क्रीन के साथ अगर आप यूज़ करोगे तो 4 से 4.5 घंटे के आसपास आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है। अब इसके अंदर तो दोनों जो स्क्रीन है वो OLED देखने के लिए मिलती है, लेकिन कलर टेम्परेचर दोनों का डिफरेंट है, हल्का हल्का फ़र्क है भाई क्वालिटी का डेफिनेटली। जो कि मेन स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की, लेकिन जो सेकंड स्क्रीन है वो उतनी ज़्यादा कमाल की नहीं है जितनी कि मेन स्क्रीन मिलती है। और एक और इशू है, मतलब इसको यूज़ करते हुए ना कीज़ वगैरह जो होती हैं वो यहाँ पे मैच्ड अप हो जाती है, जो बीच की हिंज है उसके अंदर जो मिडल वाली की है
होम की वो यहाँ पे मिक्स हो जाती है, बैक और सेंटर तो रहता है, और जो जेस्चर है वो भी यार मिक्स हो जाता है। तो ये कुछ छोटे छोटे बग्स वगैरह भी नोटिस किए थे मैंने इसको यूज़ करते हुए। लेकिन हाँ, मैं बोलना चाहूँगा डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस करने के लिए चीपेस्ट ऑप्शन है आपके पास अभी 30,000 का मिल जाएगा आपको। मैंने तो 22,000 का यहाँ पर परचेज किया था, लेकिन 20,000 में भी एक बार ये स्मार्टफोन आया था। बट जो एक्चुअल प्राइस है स्मार्टफोन में काफ़ी हाई है, लाइक 50,000 प्लस थी, लेकिन सेल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। बहुत टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, मेटल एंड ग्लास कंस्ट्रक्शन है, कॉरिंग गोरिल्ला ग्लास 5 है। लाइक डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन के डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेज है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो हाँ, अगर आप फ्यूचर लाइक स्मार्टफोन्स का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप डुअल स्क्रीन स्मार्टफोन्स को परचेस कर सकते हो। आने वाली सेल के अंदर ये डेफिनेटली आपको चीपर रेट पे भी मिल सकता है। बट हाँ, अगर आपको प्रॉपर फोल्डेबल स्मार्टफोन परचेस करना लाइक जी फोल्ड 2, तो भाई उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए, तो वो तो अपना बजट नहीं है। लेकिन हम सस्ते वाले फोल्ड से काम चला सकते हैं। तो भाई बताना आपको क्या दिमाग में आता है कि क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं डुअल स्क्रीन का, डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार ऐसी कमाल की वीडियोस देखने के लिए। होपफुली आपको फ्यूचर में और कमाल का इंटरेस्टिंग कंटेंट मेरे चैनल में मिलता रहेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।